आई बढ़िया सर, हाउ आर यू? एम ऑल्सो गुड। टुडे आप आए नहीं थे ना? यस सर, मैं इसके लिए क्या प्लानिंग है अरियंत? ऑनलाइन रेपुटेशन से आप क्या समझते हैं? हेलो अंश, आपको क्या आइडिया है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट से? मतलब कि हमारी जो ऑनलाइन गुडविल है, मतलब जो भी उनमें मतलब ऑल लोग इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट सर शुड वी इफेक्टिवली कंटेंट डालना चाहिए, रेगुलरली वैल्यूज देनी चाहिए, प्लस जो हम एंड ऑल। ओके। निशित जी, आप क्या समझते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट से? आज क्या मेरी वॉइस में कुछ इशू है क्या? अरे नहीं सर, सर क्लियर मेरी है वॉइस सर? सब? हाँ हाँ क्लियर आ रही। निशित जी अब आ रही है, बताइए। उसमें सर सेम जो आज जो परफॉर्मेंस है, वो चाहे सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी पे हो, या हमारे कंटेंट पे हो, क्या कहते हैं पूरे सोशल मीडिया में, इसी सब का जो ओके। प्रोसेस है अपडेशन जो है, ये सर ऑनलाइन रेपुटेशन को करता है। जो मैं ओके। तो आज हमारे साथ कुछ नए कैंडिडेट्स भी हैं। रोहित जी हैं। रोहित जी कैसे हैं आप? हेलो, आई गेस कुछ इश्यू है रोहित जी के। डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की अगर हम इसका सिंपल सीधा बेसिक टर्म्स में मतलब ये है, व्हाट यूजर्स थिंक और बिजनेस ऑन इंटरनेट। अब इसके लिए वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक यूजर बाइंग साइकिल का एक प्रोसेस बताया था जी सर, कि यूजर अगर प्रोडक्ट खरीद, मतलब यूजर सबसे पहले पहले आपके प्रोडक्ट के बारे में, पहली स्टेज आती है एक अवेयरनेस स्टेज। लेट्स से अगर हम यूजर के एंड पे बात करें, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं क्या सर्च करूंगा? डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। अब ऑनलाइन कोर्स सर्च करती है, मेरे पास 10, लेट से मेरे को 5 ऐसे बिजनेस मिले जिनसे मैंने इंगेज किया। 5 को मैंने, अब मेरा ये कौन सा स्टेज चल रहा है? ये मेरा आपका ये वाला स्टेज था मेरा, जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस हमारे बिजनेस के बारे में। शॉर्टलिस्ट किया, तो यहाँ पे मैं 3 बिजनेस को कंसिडर कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को इसमें से, तो ये कंसिडरेशन स्टेज हुआ। अब कंसिडरेशन में एक स्टेज हुआ फाइनल स्टेज। फाइनल मतलब क्या है? बिजनेस से वो सर्विस ले रहा हूँ। अब जो ये फाइनल स्टेज है, जिसको हम कन्वर्जन स्टेज भी कहते हैं, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? टाइम में हम सारा का सारा जो रोल है, वो सारा रोल किसका है? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का। अब ऑनलाइन रेपुटेशन सबसे पहले पहले एबीसी देखूंगा, फिर इसके बाद इसी सेम बिजनेस के मैं यूट्यूब पे अगर कुछ ट्यूटोरियल या वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो वो उन्होंने डाल रखे हो कि किस तरह से हम वीडियोस देते हैं, किस तरह से हमारे डिलीवरेबल रहते हैं, वो देखूंगा। फिर मैं ये देखूंगा इनके अदर प्लेटफॉर्म्स पे रिव्यूज क्या है। फिर मैं देखूंगा, अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनका
खुद का सोशल मीडिया किस टाइप का है वो देखूंगा, फिर सोशल मीडिया में मैं सारे प्लेटफॉर्म देख सकता हूँ, और नहीं तो एटलीस्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम तो देखूंगा ही देखूंगा। इस तरह से मैं पूरा एक ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, मतलब अगर मेरे को करना है तो मैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट सारी चीजें देखूंगा। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है निश्चित जी? यस सर। आर्यन? यस सर। सचिन जी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? रोहित जी आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? या इट्स ऑलमोस्ट क्लियर सर। ओके इट्स क्लियर, थैंक यू। ओके 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 थैंक यू। ओके सो ओवरऑल मैं इस बिजनेस को एंगेज करने से, मतलब इस बिजनेस में मैं अगर इस बिजनेस से सर्विस लेना है, जहां पे प्रोडक्ट का या सर्विस का जहां पे मेरे को बहुत अच्छा पे करना है, तो मैं जनरल सी बात है उसका सोशल मीडिया देखूंगा। सोशल मीडिया में अब ये भी हो सकता है कि कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें फेसबुक इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि भी इसका इस बिजनेस में प्रेजेंस नहीं है तो मैं इससे, प्रेजेंस है वहां पे आपको एटलीस्ट पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए कि हाँ मेरे पास रिव्यूज कितने हैं, मेरे यूजर्स मेरे बारे में कर रहे हैं तो मैं उनको जेन्युइनली रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। गूगल माय बिजनेस में जैसे ज्यादा जैसे यूजर्स करते हैं, जो बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं क्योंकि पास नेगेटिव रिव्यूज आते हैं वो उनका रिस्पॉन्ड कभी नहीं करते हैं। आप गूगल माय बिजनेस की पॉलिसी गाइडलाइंस देखोगे या उसमें देखोगे ना कि अपने गूगल माय बिजनेस को ऑप्टिमाइज कैसे करें, उसमें गूगल खुद कहता है सबसे पहले पहले तो आपके जो नेगेटिव उनको आप पॉजिटिवली रिप्लाई कीजिए, तो पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट होगा। तो अगर हमारा एबीसी बिजनेस है तो उसमें हम कैसे हमारे सारे जो मतलब सोशल मीडिया चैनल्स हैं या अदर चैनल्स से मेंटेन कर, मैं एक सिंपल सा एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ हमारे जैसे किसी क्लाइंट का, जैसे इनका नाम है जोधपुरी, मैं जैसे ही इसको जोधपुरी फर्नीचर सर्च करता हूँ बैंगलोर, तो अब हम इसकी ऑनलाइन रेपुटेशन देखते हैं क्या है। और कुछ नहीं, इसके 3 स्टोर्स हैं बैंगलोर में, ठीक है। तो ये इसकी वेबसाइट आ रही है और ये इसके टिपिकल, मेरे को अगर यहाँ से फर्नीचर लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले पहले ये सेम चीज आपके साथ होती है, आपको पता नहीं चलता है अगर आप एज अ बिजनेस हैं, अब यहाँ पे रिव्यूज आ रहे हैं 4.2, ठीक है, पर इसके साथ कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, नेगेटिव रिव्यू नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूजर के माइंड में आता है कि भाई हम यहाँ से प्रोडक्ट खरीदे तो कैसे खरीदे, पर एक तरह से ये यूजर्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं। इन यूजर्स को अगर एक पॉजिटिवली रिप्लाई लिखे आप देखेंगे उन्होंने रिस्पॉन्स किया था, लेकिन अभी अगर अभी के रिसेंट वाले देखेंगे कुछ नेगेटिव है। और इनकी 2 ब्रांचेज हैं, जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे इनका सही चल रहा है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी चल रहे हैं, अभी कुछ दिन एक ही फैमिली से 4 लोगों ने नेगेटिव डाला था, भी हैं। अब मैंने इनका एक और चीज देखी थी, जैसे अगर जोधपुरी फर्नीचर में सर्च कर रहा हूं या प्रोफाइल्स दिखनी चाहिए पर नहीं है, तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोफाइल्स आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स के आ रहे हैं,
jinder.co.in जस्ट डायल, इसी जगह अगर इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अपडेटेड होते तो यहाँ पे क्या आ रहा होता उनका, से फेसबुक जोधपुरी फर्नीचर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मुझे रिकॉर्डिंग हो रही होगी, अभी स्टार्ट हुआ। ओके ठीक है, तो अब जैसे ये जो आज के टाइम में अभी जैसे नीचे चले गया है, लेकिन ये प्रोफाइल जब पहले हम जोधपुरी फर्नीचर लिखते थे तो ये आप देखेंगे ये इनका कोड मंगला स्टोर है, इसके बारे में ये कितने सारे नेगेटिव ये आते थे रिव्यूज, बहुत सारे लोगों ने ये नेगेटिव डाले थे। अब हमें क्या करना है अगर हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन हमें मैनेज करनी है, हमें ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करनी है तो हमें इन्हीं चीजों को अपने उस मतलब प्लेटफॉर्म को हमारे बिजनेस को अपडेटेड रखना है। अपडेटेड रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अपडेटेड रखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये फोकस करना है रिव्यू वेबसाइट्स कौन कौन सी है, रिव्यू वेबसाइट्स हमारे बिजनेस के हिसाब से। जैसे अगर मैं ट्रैवल बिजनेस देखूं तो ट्रिप एडवाइजर एक रिव्यू वेबसाइट है, और इसके अलावा अदर भी जैसे रिव्यू वेबसाइट्स है, तो वैसे कि वैसे हमारा जो भी बिजनेस है उसमें हमें रिव्यू वेबसाइट्स पे फोकस करना है। रिव्यू वेबसाइट्स जैसे ये भी हो सकती है आपका जो जहाँ पे लोग अगर कोई ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने से पहले वो कौन कौन सी वेबसाइट्स पे देखते हैं एज ए मतलब एम्प्लॉय, अगर कोई आपके बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, इंडीड करके एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे देखते हैं, फिर उसके अलावा नौकरी पे देखते हैं, और इसके अलावा अदर वेबसाइट्स है वहाँ पे भी देखते हैं। तो आपका मतलब सर ग्लासडोर पे एक रिव्यू वेबसाइट है ना, ग्लासडोर भी एक रिव्यू वेबसाइट है सचिन जी। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि अगर आप अपना मतलब उस टाइप का आपका बिजनेस है, आपकी एक आईटी कंपनी है, आपके यहाँ काफी सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो आप इन सब पे प्रोफाइल बना के इन पे रिव्यूज डालें। फिर अगर आपकी आईटी कंपनी है तो आपके क्लच करके एक प्लेटफॉर्म है जो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पे एक रिव्यू ही बहुत मुश्किल से डलता है, ऐसी रिव्यू वेबसाइट्स पे आप प्लीज अपना बिजनेस का प्रोफाइल बिल्ड करें, और प्रोफाइल बिल्ड के बाद देखें कि आप कैसे यूजर्स के रिव्यू डाल सकते हैं। निश्चित जी एक क्लच आज जरूर चेक करना, मतलब जो जो कंपनीज आज के टाइम में दो दो करोड़ का बिजनेस कर रही है उनके भी क्लच पे 40 या 50 रिव्यूज, दैट्स इट 40 रिव्यूज, 40 भी बहुत मुश्किल से बनते हैं, ये जरूर चेक करना। और ये क्लच एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे अगर आपके रिव्यूज बनते हैं तो आपको फॉरन बिजनेस काफी आने के चांसेस रहते हैं। किसका हो रहा है माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से रिव्यू वेबसाइट्स पे आपको प्रोफाइल बनानी है। फिर गूगल माय बिजनेस ऑलरेडी आपको पता होगा कितने लोगों ने गूगल माय बिजनेस का यूज किया है, तो गूगल माय बिजनेस पे आपको प्रोफाइलिंग बनानी है, और वहां पे कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट करना है। मतलब ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आज के टाइम में आपके बिजनेस को कोई सर्विस देना चाह रहा हूँ तो मैं जेन्युइन सी बात है उसकी रेपुटेशन चेक करूंगा। तो आप कोई भी ऐसा मौका ना दें कि जहाँ पे आपकी रेपुटेशन गलत आ रही हो, या फिर ये है कि यूजर्स वो आपके रिव्यूज देख रहे हैं। आपका ऐसा चल सकता है 80% रिव्यू पॉजिटिव 20% नेगेटिव, और 20% नेगेटिव रिव्यूज रिप्लाइड होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए कि रिप्लाई नहीं किए हुए आपने खाली छोड़ दिए। तो आप कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा उसमें अपने रिव्यूज को रिस्पॉन्ड करें। तो गूगल माई बिजनेस है, बिंग माई बिजनेस भी है, अभी तक किसने यूज किया बिंग बिजनेस लिस्टिंग, बिंग बिजनेस लिस्टिंग का भी इंडिया में ट्रैफिक है सचिन जी, जैसे सेम गूगल माय बिजनेस है सेम बिंग माय बिजनेस है, तो बिंग माय बिजनेस भी अपडेट करें। फिर इसके बाद आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स सारे के सारे अपडेटेड रहने चाहिए। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जैसे कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका लिंक्डइन, आपका ट्विटर, इन सब पे एटलीस्ट एवरी वीक एक पोस्ट जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप सोशल मीडिया से लेट से कुछ आप ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर रहे, ज्यादा कैंपेन नहीं कर रहे, लेकिन एवरी वीक एक पोस्ट तो आप प्लान कर सकते हैं, महीने की चार पोस्ट,
कि यूजर जब कोई भी आपके बिजनेस से एंगेज करे तो उसे ऐसा नहीं लगे कि यार इनका खुद का सोशल मीडिया अपडेटेड नहीं है या ये खुद इस पे तो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अपडेटेड होनी चाहिए, और फेसबुक पे भी रिव्यूज का ऑप्शन है तो आप ये कर सकते हैं। फेसबुक पे जैसे अपने कुछ यूजर्स को बोलिए कि भी जैसे फेसबुक पेज पे जाएं, तो फेसबुक पेज पे जैसे जाते हैं तो फेसबुक डायरेक्टली रिव्यू नहीं मांगता है, फेसबुक क्वेश्चन पूछता है आपके पेज के बारे में कि नो हाउ वुड यू रिकमेंड दिस पर्टिकुलर बिजनेस और नॉट। तो वहां पे अगर यूजर यस या नो सिलेक्ट करता है उसके बेसिस पे फेसबुक उसको आगे रीच देता है या नहीं देता है। तो आप ऐसे करके फेसबुक पे भी अपनी रेटिंग्स वगैरह बना सकते हैं, तो इसके बेसिस पे आपको काफी बेनिफिट होगा। मतलब ओवरऑल आपको अपने बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करनी है। फिर अगर आप इससे रिलेटेड कुछ YouTube वीडियोस भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं YouTube वीडियोस, जिससे क्या है यूजर्स आपको वीडियो में देखेंगे और आप उसमें भी अगर अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन कर रहे हैं तो उससे एक डायरेक्ट टच होता है। आज अगर हम बात करें कि आज हमने कोर्स भी अटेंड कर रहे हैं या हमने मतलब यहाँ पे अगर एनरोल किया, तो एनरोल करने का भी रीजन ये कि हमने कहीं ना कहीं प्रभाकर सर का वीडियो देखा, प्रभाकर सर के वीडियो से एंगेज हुए, एंगेज करने के बाद आगे हमने प्लान किया। तो आप समझिए कि ये मतलब आज के टाइम में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है एक बाइंग डिसीजन लेने के लिए, और आज के टाइम में कंपनियां इसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है एक मतलब कार कंपैरिजन विद वन और अदर कार। अब कार कंपैरिजन करोगे तो आप क्या देखोगे, दूसरे ब्लॉगर्स या यूट्यूब ब्लॉगर्स के वीडियो देखोगे तो आपको क्या लगता है एक एक वीडियो वो खुद से बनाते हैं, उनको कंपनियां पैसा देती है 20,000-25,000 जितने उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके बेसिस पे, 5,000 से स्टार्ट हो जाता है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 इवन लाख रुपए भी होते हैं जैसे सब्सक्राइबर्स होते हैं कि भी वीडियो बनाओ और वीडियो में हमारी कार को आप रिकमेंड करो। जब एक्सक्लूसिवली वो एक ही कार को रिकमेंड करते हैं तो उनको वो एक कंपनी बहुत अच्छा पेमेंट देती है, और अगर वो लेट से एक कार नहीं दो तीन कारों को कंपेयर करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ जो कंपनी अच्छा पेमेंट दे उनको रिकमेंड करते हैं। इसके बेसिस पे वो वीडियोस बनते हैं और इसके बेसिस पे यूजर्स डिसाइड करते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदे या नहीं खरीदे। तो आप समझ सकते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन कितने बड़ा आज के टाइम में बिजनेस हो चुका है। फिर इसके साथ साथ मैं कुछ आपको जैसे ब्लॉग्स भी सजेस्ट करूंगा जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज। हां सर, मतलब यूजर को कन्विंस कैसे करें सर रिव्यू डालने के लिए, क्योंकि वो मतलब मैं भी मतलब डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूं, मतलब हर यूजर्स को मुझे बताना पड़ता है सर पर्सनल कि आप रिव्यू डलवा दें, सो उससे अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन है सर जो कि मतलब सचिन जी यूजर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है। अब यूजर्स आपके किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है आपका, क्या बिजनेस क्लासेस कुकिंग क्लासेस का बिजनेस है, ठीक है। तो सचिन जी अगर कुकिंग क्लासेस का बिजनेस है तो कुकिंग क्लासेस में आप ऐसा कर सकते हैं, देखो अगर आप गूगल रिव्यूज की बात करें ठीक है, तो गूगल रिव्यूज के लिए आपने जो आपके यूजर्स आ रहे हैं जैसे, तो उन यूजर्स का आपने फोटो एक डाला, फोटो आपके पास आज के टाइम में गूगल रिव्यूज में भी पोस्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है, पोस्ट करने का ऑप्शन है आपको ध्यान हो तो, नहीं है तो आप देख लीजिएगा गूगल में भी आज के टाइम में पोस्ट करने का ऑप्शन है। जो यूजर्स आपके यहाँ कुकिंग क्लासेस ले रहे हैं उनका आपने मतलब बैठे बैठे जैसे कुकिंग करते हुए कुछ फोटो लिया, वो फोटो लेके आप गूगल माय बिजनेस में पोस्ट कीजिए। अब पोस्ट करने के बाद आप उनको डायरेक्टली एकदम ये मत बोलिए कि आज रिव्यू डाल दो, पोस्ट करने के बाद आपने एक फोटो ली, एक फोटो आपने उनको जैसे पोस्ट किया, अब पोस्ट शेयर करने का ऑप्शन है, आप शेयर करके उनके व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, तो यूजर वो फोटो देखने जरूर आपके गूगल माय बिजनेस पेज पे आएगा। एक बार दो बार आ गया, दूसरी बार के बाद आप तीसरी बार उसको बोलिए कि प्लीज योर रिव्यू कैन हेल्प मी अ लॉट, इस तरह से आप एक प्रॉपर एक पॉजिटिव सा अच्छा सा मैसेज डालिए, डेफिनेटली वो आपको रिव्यू करेगा। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आज के टाइम रिव्यू में भी बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है, बाद में कर लेंगे कल कर लेंगे, यूजर खुद से करना नहीं चाह रहा, तो आप एक चीज तो ये कर सकते
ठीक है, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप उसका मतलब अपने जो आपका बिजनेस जहाँ पे कुकिंग क्लासेस है वहीं पे आपने जैसे सबके जैसे खाना, जैसे अगर आपने जैसे लेट से प्लान किया आज का कुछ आपने जैसे बनाया, अब वो टेस्टिंग का टाइम चल रहा है, तो टेस्टिंग के टाइम में 4 दिन पहले 5 दिन पहले जैसे उनकी क्लासेस एंड हो रही है, उस दिन आपने सबको पांचों को 5-6 जितने भी उधर से बैठे हैं बैठ के उनको एक अच्छा सा आपने मोटिवेशनल स्पीच दिया, स्पीच के बाद आप उनको बोल सकते हैं कि डू रिव्यूअर्स कि आप आपको जितना अच्छा लगा तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंडस्ट्री में है, तो उन्होंने जो रिव्यूज डलवाए बच्चों से और वो बच्चों ने बच्चों को कहा खुद आपको लिखना है, तो मैं आपको उसके वो रिव्यूज दिखाता हूँ, आप देख के समझ जाएंगे कि रिव्यूज लिखवाना भी आज के टाइम में एक आर्ट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ उनका प्रोफाइल, कम्युनिकेशन स्किल्स का इनका इंस्टीट्यूट है, मतलब 4.9 की रेटिंग चल रही है, आप समझते हैं 4.9। You need not to go anywhere else. और देखें सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यूज इस तरह से डाले हैं। अब ये रिव्यूज डालने के लिए वो क्या करते हैं, मैंने खुद ने उनकी एक बार क्लास अटेंड की थी, वो रिव्यूज के लिए क्या करते हैं, रिव्यूज के लिए वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन सा लेसन देते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये ट्रेनिंग देने की कोशिश की है, आई होप इसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, बट एट द सेम टाइम मुझे भी अपने आपको इवेलुएट करना है कि आपको किस किस चीजों में दिक्कत हुई, इसलिए मैं अब मैंने वो सारा रिव्यू का प्रोसेस ऑटोमेट और डिजिटलाइज कर लिया है। डिजिटलाइज कैसे कर लिया है कि आप ऑनलाइन मेरे को रिव्यू दे सकते हैं, तो आप प्लीज आज के टाइम में मेरे को रिव्यू दे दीजिए, मतलब आज रिव्यू कर दीजिएगा, और उसमें भी वो कहते हैं कि जैसे पूरा 20 जनों का बैच है ना, तो आज केवल 5 जने रिव्यू करें, क्योंकि 20 एक साथ रिव्यू आएंगे ना तो गूगल को कई बार फेक रिव्यूज का भी लगता है, तो 20 में से आज 5 जने रिव्यू करेंगे, जब उनका बैच खत्म होने वाला होता है ना उससे 5 दिन पहले ही वो स्टार्ट कर देते, पूरी लिस्ट बनती है कि आज इन 5 जनों को आपको रिव्यू करना, 5 जने मेरे को रिव्यू करें, केवल 5 जने, कल मैं वापस पूछूंगा, और नेक्स्ट डे वो 500 से पूछते हैं कि अच्छा आपने किया नहीं किया, और उसको इतना पॉजिटिवली लेते हैं कि एक भी नेगेटिव रेटिंग नहीं है, सारी की सारी पॉजिटिव रेटिंग, तो एक आप वो चीज कर सकते हैं सचिन जी अपने बिजनेस को लेकर। और दूसरा जो मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया वो ज्यादा एंगेजमेंट वाला है, क्योंकि इसमें तो सारे बच्चे होते हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं जैसे आपने उनकी 2-3 फोटोज डाली अलग अलग और उनको कहा देखिए आपने इतनी शानदार डिश बनाई, और डिश जैसे कि कोई बना रहा है तो उनको बोलिए कि आप डिश के साथ फोटो आपकी एक हमारे प्रोफाइल पे लगेगी, तो इस तरह से आपका सोशल मीडिया भी अच्छा मैनेज होगा और एट द सेम टाइम गूगल में बिजनेस वाला भी अच्छा मैनेज होगा। फिर उनको आप बोलिए रिव्यू डालिए, आप डायरेक्टली बोलते होंगे उनको रिव्यू डालिए तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो वो एक प्लान आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये कितना रिलेवेंट है और किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मैं आज बात करूं, वैसे ये ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एक तरह से थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक लग रहा है आपको, लेकिन आज हमें बात करनी इसलिए पड़ रही है इसके बारे में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, अभी आप उसकी रेलेवेंसी नहीं समझ रहे हैं या रेलेवेंसी कितनी समझ रहे हैं, लेकिन अगर मेरे को आज के टाइम में कोई भी इस तरह का डिसीजन लेना है तो मैं डेफिनेटली उसके पहले रिव्यूज देखूंगा, क्लासेस अगर ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं उसके रिव्यूज देखूंगा किस तरह के रिव्यूज हैं, उसके बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा। क्या अगर मैं नेगेटिव रिव्यूज देख के जाऊंगा वहाँ पे, अमेजोन पे हम प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट में भी रिव्यूज देखते हैं, जितना महंगा प्रोडक्ट है उस हिसाब से रिव्यूज देखते हैं, हमारा एक मतलब बैक ऑफ द माइंड ये आदत हो चुकी है और हमें पता ही नहीं कर रहे हैं हम इस चीज से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी अब आदत हो चुकी है कि हम उसके रिव्यूज तो देखेंगे देखें, उसके बाद भी उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेंगे। तो इसीलिए अगर आपके भी जैसे बिजनेस है तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे एटलीस्ट आपका मतलब प्रोफाइल होना चाहिए, और रिव्यू वेबसाइट्स पे स्पेशली फोकस कीजिए, जैसे येल्प करके एक वेबसाइट है और अदर वेबसाइट्स भी हैं, तो उन पे आप अच्छे से फोकस कीजिए तो आपको काफी बेनिफिट होगा। फिर तो उसके बाद जैसे मैंने लास्ट, अब ये भी बिजनेस टू बिजनेस फर्क पड़ता है, जैसे मैंने लास्ट निश्चित जी आपको बताया था जीके एग्जाम्स का कोरा पे कितना अच्छा प्रेजेंस था, तो अगर कोई इस तरह का बिजनेस है जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसको फिर कोरा पे भी अपने जो प्रेजेंस है वो अच्छा मेंटेन करना चाहिए, ताकि
क्या यूजर अगर कोरा पे भी सर्च करे तो उसको आपका बिजनेस सबसे पहले देखना चाहिए। तो वो एक पार्ट है जो आपको ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में मैनेज करना है। अब इसके साथ में आपको 2-3 ब्लॉग्स भी लिंक शेयर करूंगा, 2-3 ब्लॉग्स के, वो आपको रीड करने हैं ताकि क्या आपको ये टॉपिक और क्लियर हो। अब इसके बाद ये है कि आपको अपनी जितने भी जो भी अगर यूजर्स बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है इस हिसाब से कि वो मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी यूजर अगर उनको सर्च करे तो एटलीस्ट सर्च करने पे यूजर को पॉजिटिव चीजें मिले। ये नहीं कि ना यूजर देखते क्या कि यार इनके इनसे मैं क्या एंगेज करूँ, इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सचिन जी बताइए और क्या क्वेश्चन है आपके इसको लेके? सर मतलब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना मतलब सर जो मतलब जितने डिटेल्स हो सके उतने डिटेल्स है, करेक्ट अंडरस्टैंड? हाँ बिल्कुल सही, जितनी डिटेल्स है उनके मतलब बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन फील्ड हो वहाँ पे सारा, और ये नहीं हो कि ना कहीं पे भी आपका कुछ बाकी छूट रहा है। अगर अबाउट सेक्शन देख रहा हूँ तो अबाउट सेक्शन में यानी कि कुछ खाली पड़ा है, वो चीज नहीं होना चाहिए। और आपके यूज बिजनेस से रिलेटेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इसके कुछ क्या बोलते हैं, मैंने एक क्या बोलते हैं वो देखा था, अवेरियो करके एक टूल है, उसके बारे में भी थोड़ी सी रिसर्च करना कि क्या है। AWARIO ये ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का ही एक टूल है, इसको आप चेक करना अरियंत, और बताना मेरे को कि किस टाइप का इसका मतलब यूजर एक्सपीरियंस है और इसकी खुद की क्या है प्रोफाइल। ओवरऑल ये पार्ट सबको क्लियर रहा होगा, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, कि कोई डाउट है? मैं इसके साथ जो मतलब मैं बेसिकली यही सजेस्ट करूंगा, ये तो कुछ टूल्स भी सर्च करने हैं अपने को, टूल्स ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या टूल्स हैं। तो इन दो टूल्स को, तो ये दो टूल्स हैं इनको देखना, और इसके अलावा अदर क्या क्या टूल्स हैं उनको भी देखना, तो वो आपको ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में और ज्यादा क्लैरिटी होगी। जस्ट अरियंत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो ओके, मुझे लगा किसी को कोई डाउट या कुछ है। आज विपिन जी नहीं आए हैं, क्या बात है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को स्टार्ट Google Ads के बाद जो नेक्स्ट आपका ये है कि एक वीक के और टॉपिक्स रहेंगे, वो कुछ बेसिक टॉपिक्स है जैसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कैसे ग्रैब करें, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड क्या है, हेलो यस अरियंत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको माइक बार बार आप अनम्यूट कर रहे हैं। हेलो आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि कोई डाउट कोई इश्यू है कुछ? अरियंत बार बार आप अनम्यूट कर रहे हैं, मुझे लगा इनको कुछ कहना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा प्लान है, जैसे कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कम्प्लीट हो गया, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्च इंजन मार्केटिंग। बेसिकली अगर इसको हम बात करें तो आज के टाइम में ये पूरा का पूरा गूगल एड्स के हिसाब से टॉपिक है, क्योंकि अरियंत का मैसेज आ गया माइक इज नॉट वर्किंग। ओके ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग में हम जो बेसिकली वर्क कर रहे हैं वो गूगल एड्स पे वर्क करेंगे, और गूगल एड्स जिस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं सेम उसी तरीके से हम बिंग एड्स पे भी वर्क कर सकते हैं अगर हमने गूगल एड्स समझ लिया तो। तो ओवरऑल मैं गूगल एड्स वैसे तो स्टार्ट कल से करूंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक एक
ओवरव्यू दे देता हूँ। वो ये है कि सपोज जैसे अगर हम गूगल एड्स की शुरुआत कहाँ से, गूगल एड्स की शुरुआत ऐसी हुई कि अब जैसे एसईओ में रैंक करने में काफी टाइम लगता है, जैसे आपको भी पता है 3 महीने 2 महीने 4 महीने लग सकते हैं। तो ऐसे में आप ये समझिए कि कैसे हम हमारे बिजनेस को मतलब अगर हमें टॉप रैंकिंग में लाना है तो कैसे लाएंगे। तो उसका सिंपल सा एक तरीका है, वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स के थ्रू आप यहाँ पे अपने बिजनेस से रिलेटेड एड्स रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एड्स रन हो रहे हैं, आप देखेंगे रॉयल डिजिटल मशीन, नीरज स्टोर जैसे करके डिफरेंट डिफरेंट, तो गूगल एड्स वैसे आया। फिर उसके बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स सेट होते गए, ठीक है। तो गूगल एड्स की अगर हम बात करें तो गूगल एड्स में डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स होते हैं। जैसे अगर हमें सर्च नेटवर्क पे एड्स शो करने हैं, जैसे यहाँ पे सर्च इंजन पे, सर्च नेटवर्क पे अगर एड शो करने हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्च कैंपेन्स, ठीक है, सर्च कैंपेन्स बोलते हैं। गूगल एड्स में ऐसे डिफरेंट 5 तरह के मेनली कैंपेन्स रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर हमें सर्च पे एड दिखाना है तो हम कहाँ फोकस करेंगे, सर्च कैंपेन्स में फोकस करेंगे। अब गूगल एड्स करता क्या है वो भी आपको एक मिनट पहले, उससे पहले बेसिक वो बता दूं। आपने बहुत सारे यूजर्स कहते हैं कि हमारे ब्लॉग्स पे एड्स रन करने होते हैं या ब्लॉग्स पे एड्स चलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है। अब ब्लॉग पे एड किसके रन करता है, गूगल रन करता है और गूगल ब्लॉग के पैसे देता है आपको, ऐसा ही होता है, एड्स पे पैसे देता है। और यहाँ पे बैठा है सपोज एडवर्टाइजर, गूगल एड्स क्या कर रहा है, मिड में एक एजेंसी है। अगर मेरे को एड लगाना है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, गूगल एड्स में जा रहा हूँ, गूगल एड्स में जा रहा हूँ, अपना एड रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एड रन कर रहा हूँ तो गूगल एड कहाँ शो करता है, उन ब्लॉग्स में, उन वेबसाइट्स में एड शो करता है जिन वेबसाइट से गूगल ने स्पेस ले रखी है। तो मतलब गूगल क्या कर रहा है, बीच में एक मिडलमैन है, एडवर्टाइजर से पैसा ले रहा है, लेट से 100 रुपए, उसमें से 50 रुपए आपको दे रहा है जिसका ब्लॉग है और वहाँ पे एड शो कर रहा है और 50 रुपए खुद अर्न कर रहा है। मतलब मैं आपको एक बेसिक मैकेनिज्म बता रहा हूँ गूगल एड्स का, बहुत बेसिक टर्म्स में ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप गूगल एड्स और अदर चीजों पे फोकस कर पाएंगे। सचिन जी कोई डाउट है इस चीज में आपको, सचिन जी जी सर, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ मतलब में अगर यहाँ पे जैसे आप कहते हैं ना ब्लॉग्स में हमारे एड्स रन होने चाहिए और उससे हमें इनकम होनी चाहिए, गूगल कहाँ से देता है पैसा, गूगल बेसिकली एडवर्टाइजर जो यहाँ पे गूगल एड्स में एड रन करते हैं उनसे पैसा लेके आपको देता है। सेम चीज यूट्यूब पे भी करता है, सेम चीज अदर प्लेटफॉर्म्स में भी करता है और गूगल एड्स एक बीच में मीडियम है। अब गूगल एड्स में जैसे आपने ब्लॉग्स के लिए एड रन किया, हाँ सर, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, मान लीजिए मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे तो ऐसा नहीं कि गूगल डे वन से मतलब एड नहीं लगा आएगा। उसके लिए क्राइटेरिया ये है आपके उसमें क्या बोलते हैं ब्लॉग पे अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए, लेट से आपका जो एनालिटिक्स है वो खुद आपको, वो भी गूगल का ही टूल है, वो रिकॉर्ड करता है कि आपके ब्लॉग पे कितना ट्रैफिक है, कितना एंगेजमेंट है, कितने यूजर्स आ रहे हैं, सर्च पे आपकी पोजीशन क्या है। अगर आपके ब्लॉग पे अच्छे यूजर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली गूगल में एक मैकेनिज्म है एडसेंस करके है प्रोसेस, उस एडसेंस में जाके आप अप्रूवल लेते हैं, अप्रूवल लेते हैं तो आपके एड्स रन करने का परमिशन मिल जाता है, फिर गूगल यहाँ पे आपके इसमें पर्टिकुलर ब्लॉग पे एड्स रन करता है। सेम चीज यूट्यूब पे है, जैसे यूट्यूब का तो मुझे पूरा आइडिया है आपके कितने हैं, शायद 1000+ सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 मिनट्स का वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इतना मिनट्स का वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो गया तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिल जाता है एड्स का और आपके वीडियोज में एड्स आप लगा सकते हो जिससे आपकी एक इनकम होती है। इसी तरीके से आप सपोज जैसे एक तो क्या YouTube मेरा अगर YouTube चैनल है तो मेरा अगर खुद का YouTube चैनल है तो उसमें 4000 मिनट्स वीडियोस मतलब रन होने चाहिए, वीडियोस रन होने चाहिए और 1000+ सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, उसके बाद वो आपका एड्स का जो है वो अप्रूव करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि सर्च कैंपेन्स की, तो सर्च कैंपेन्स का बेसिकली फोकस ये रहता है कि आप गूगल सर्च पे अगर आपको अपने एड्स शो करने हैं तो आप सर्च कैंपेन्स पे फोकस करेंगे। फिर इसके बाद जैसे हम बहुत सारे ब्लॉग्स देखते हैं, ब्लॉग्स में एड्स रन हो रहे होते हैं या वेबसाइट्स में हम देखते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड में एड्स रन
उनमें आप देखेंगे कोई ना कोई इमेज होती है, तो ये जो इमेज होती है तो इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ है इमेज, यहाँ पे कोई एड चल रहा है, जैसे यहाँ ये ऊपर चल रहा है या एड नहीं, ये तो इनका खुद का एड है। तो ओवरऑल जो इमेज होती है, इमेज तरह के आपने एड्स देखे होंगे काफी सारे ब्लॉग्स में एड्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बेसिकली डिस्प्ले एड्स। मतलब जिसमें क्या होता है, एक इमेज होती है क्लिप क्लिकेबल, ये देखिए आ गया यहाँ पे एड चल रहा है, SUSM सेविट इंटरएक्टिव डिजिटल मार्केटिंग सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो ये आप देखेंगे एड चल रहा है, इस तरह के एड्स को हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। तो गूगल एड्स में एक ये भी कैंपेन होता है, डिस्प्ले कैंपेन रन करने का रहता है, जिसमें आप डिस्प्ले एड्स रन कर सकते हो। फिर सेम वे डिस्प्ले एड्स के बाद जो नेक्स्ट आपका रहता है, लेट्स अगर आपको YouTube पे ऐड रखने रन करने हैं, YouTube वीडियो एड्स आप देखते हैं, YouTube पे कोई भी आप वीडियो देखते हो तो बीच में एड्स आते हैं, तो एड्स कहाँ से आते हैं, वो YouTube मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो एड्स आप Google एड्स से ही रन करते हो, तो आपको Google क्या बोलते हैं, YouTube पे वो एड्स दिखते हैं, तो इसलिए वीडियो कैंपेन्स भी होते हैं। सर्च कैंपेन हो गए, डिस्प्ले कैंपेन हो गए, वीडियो वाले कैंपेन्स भी हो गए। फिर इसके बाद सेम वे अब सपोज जैसे अगर आपने कई बार ऐसे देखा होगा कोई प्रोडक्ट आप गूगल सर्च पे देखते हैं, जैसे मैंने देखा शर्ट्स फॉर मेन, मैंने देखा शर्ट्स फॉर मेन, ठीक है। अब अगर शर्ट्स फॉर मेन की बात करें तो ये इस तरह से यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है और एड्स रन हो रहे हैं, तो ये एड्स कौन से होते हैं, ये एड्स बेसिकली शॉपिंग एड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी एक आज के टाइम में एड्स काफी चल रहे हैं। फिर उसके बाद गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप देखेंगे कि काफी सारे ऐप इंस्टॉल के एड्स आते हैं, तो ऐप इंस्टॉल के एड्स क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ऐप कैंपेन्स। मेरे हिसाब से निश्चित जी को गूगल एड्स का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। निश्चित जी आपको तो पूरा क्लियर होगा, कंप्लीट क्लियर होगा, क्योंकि निश्चित जी आज के टाइम में अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं गूगल एड्स पे, तो इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। आपने केवल सर्च पे किए हैं या बाकी सब पे भी एड्स रन कर रखे हैं? डिस्प्ले पे भी सर थोड़ा सा काम किया है, बाकी बेसिक कंसंट्रेशन मेरा सर्च पे जो बिजनेस है उस हिसाब से सर्च नेटवर्क ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और कहीं आपको ज्यादा सर्च से मेरी अच्छी लीड्स आ जाती है, ठीक है, सही है। बाकी किसी ने गूगल एड्स पे वर्क कर रखा है, किसी ने भी जैसे आर्यन ने शायद कर रखा होगा गूगल एड्स पे काम किसी ने? हां, तो आपने किया, आपने सारे कैंपेन्स पे किया है केवल सर्च पे किया है? कैंपेन तो सारे चलाए हैं, लेकिन जो अभी तक मुझे डिफिकल्टी है सिर्फ YouTube पे जो वीडियो एड्स चलाते हैं हम लोग डिस्प्ले कैंपेन में, तो दो बार मैं उसमें मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई है चलाते हैं। अप्रूवल हो गया सर, अप्रूवल होने के बाद एड में जीरो इंप्रेशंस, एक हफ्ते तक वेट करने के बाद गूगल सपोर्ट टीम से भी बात कर ली, फिर वो लोग सपोर्ट टीम वाले घुमाते रहते हैं कि आप प्लेसमेंट टारगेट करो, कीवर्ड टारगेट करो, ये सब मैं सब कुछ टारगेट करके देख लिया, तो तब भी नहीं उठे कभी एड, तो और कभी कभी उठे भी इशू से मरियन हो रखा है। और मेरे साथ तो ये था कि वो वीडियोस अंडर रिव्यू आता था साइड में, और वीडियोस अंडर रिव्यू में ये YouTube में आज के टाइम में ऐसा हो गया कि जब तक आप उनको कॉल करके बोलो नहीं, वो एड अप्रूव ही नहीं करते हैं। कॉल करके वो तो आधा आधा घंटे में तक आ गया, मतलब वो अप्रूव लेके आ जाता है। मेरे साथ तो ये इशू पहले हुआ था, वो उनको सबको मैन्युअली इनका रिव्यू का प्रोसेस होता है। आपने लास्ट कब लगाया था? अभी एक महीना पहले ही लगा। अच्छा, तब तो ये इशू बहुत ज्यादा मेरे साथ हुआ था कि वो वीडियो एड्स पे अप्रूवल नहीं आता था जी, अप्रूवल के लिए उन्हें मैन्युअली कॉल करना पड़ता था। एक बार तो सर ऐसा केस हुआ कि सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर बाद में गूगल वाले बताते हैं कि आपकी साइट में वायरस है, तो उसकी वजह से वो एक महीने तक हिल गया था, तो फिर लैंडिंग पेज चेंज करके फिर चलाया। सपोर्ट अच्छा नहीं है अभी इनका इतना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओवरऑल जो मेरा टारगेट है, नेक्स्ट एवरी कैंपेन को हम दो दो दिन देंगे, दो दो दिन में हम क्या करेंगे, सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, शॉपिंग और इस तरह से सारे कैंपेन्स में वर्क करेंगे। और मेनली जो हम एड्स, जैसे वीडियो में आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो वाले हम दो तीन कैंपेन्स रन करके देखेंगे, और फिर अगर जैसे आपको सर्च में कुछ प्रॉब्लम है तो सर्च में भी हम दो तीन कैंपेन्स
रन करके देखेंगे, और फिर इसके बाद जैसे यूनिवर्सल ऐप कैंपेन है तो मेरी एक ऐप भी है, तो उस ऐप के भी मैं एक दो कैंपेन जैसे आपको रन करके बताऊंगा, जिसमें हम रियल मनी जैसे 500 600 हजार रुपए का एक बजट लेके देखेंगे कि ऐप डाउनलोड्स कितने हो रहे हैं और एक डाउनलोड की कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो इस तरह से हम सारे कैंपेन्स रन करेंगे। और गूगल एड्स के बाद जो हमारे जो टॉपिक बच रहे हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग और क्या बोलते हैं आपका ये बच रहा है एफिलिएट मार्केटिंग और मोबाइल ऐप मार्केटिंग, मेनली मोबाइल ऐप मार्केटिंग में हमारा जो फोकस है वो केवल ऐप्स से रिलेटेड है कि ऐप्स के डाउनलोड्स कैसे बढ़ाए जाए। उसके बाद मेन आपका जैसे कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो मैं अभी भी आपको ये कहूंगा अगर आपके किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से कुछ डाउट्स हैं कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो फ्रेम आउट कर लीजिए तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप पॉडकास्ट कब कैसे डालें ठीक है मैं बता दूंगा पॉडकास्ट का। वो मेरा काम नहीं कर रहा था वो ORM के टॉपिक में मेरे को डाउट था क्या डाउट था सर जैसे ये ORM में आजकल मैं देखता हूं ना सर्विसेज लोग दे रहे हैं कि वो नेगेटिव ऐसी यो करके लोगों के लिंक्स पुश डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं वो कैसे होता है नेगेटिव ऐसे जो लिंक्स अप आ रहे होते हैं उनका नेगेटिव करके उन्हें पुश डाउन कर देते हैं। मतलब गलत तरह की मार्केटिंग है। अब जैसे उसका मैं आपको एग्जांपल दूं जैसे मेरे क्लाइंट के साथ हो रखा है वो ये है कि जैसे आपके गूगल रिव्यूज आ रहे हैं अब लोग रिव्यूज को रिपोर्ट कर देते हैं आज के टाइम में इसके लिए भी लोग बैठे हैं जो रिव्यूज को रिपोर्ट कर देते हैं या वहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज लिख लेते हैं तो वो एक पार्ट है। लेकिन मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा उस चीज में जाना ही क्यों आप मतलब इससे बेटर ही है अपने मतलब जो सर्विस है अपने बिजनेस है उसको आप अपडेट करें उसका SEO आप इतना करते जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे साथ ये चीज हो रखी है मेरे जो क्लाइंट के करीबन 30-40 रिव्यूज है वो रिमूव कर दिए गए गूगल ने रिमूव कर दिए क्योंकि एक ही उसके कॉम्पिटिटर ने 2-3 सेपरेट आईडी से उसको रिव्यू वो कर दिया रिपोर्ट कर दिया तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो गूगल फिर उसमें मैनुअल एक्शन लेता है फिर मैनुअल एक्शन लेता है तो देखता है कि अच्छा ये इतने रिव्यूज आपके जो फेक रिव्यूज चले हुए हैं पॉजिटिव रिव्यूज चले हैं सबको रिमूव कर देता है। वो एक सर्विस चल रही है पर एक उसकी जगह ये भी सर्विस चल रही है जैसे मैं एज अ बिजनेस हूँ मेरे को हर टाइम सोशल मीडिया अपडेट नहीं करना लेकिन मैं एक ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का पैकेज ले लेता हूँ किसी कंपनी से कि पूरा ईयरली आपको मेरी ऑनलाइन रेपुटेशन को कंट्रोल में रखना है मैनेज करना है। तो ऐसी भी आज के टाइम में सर्विसेज बिक रही है तो आप 6,000-10,000 पर मंथ के हिसाब से पूरा ईयर का किसी क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो फिर उसके सारे जितने भी प्रोफाइल्स हैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें केवल ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का काम करते हो आपको कोई बिजनेस नहीं लाना कुछ नहीं करना है बस वो इतने बड़े लेवल पे हैं तो उनकी एक ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करनी है कोई मैसेज कर रहा है तो उसको रिप्लाई करना है कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा है तो उसको रिप्लाई करना है कोई कुछ रिव्यू डाल रहा है तो उसका रिप्लाई करना है और उसके अलावा नॉर्मल बेसिक सोशल मीडिया पोस्टिंग करनी है। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पैकेजेस भी आप सर्च करके देखना तो आपको वो क्लैरिटी होगी कि मार्केट में किस तरह से चल रहे हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पैकेजेस। एक होता है सोशल मीडिया पैकेज एक होता है SEO पैकेज अब एक आज के टाइम में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पैकेजेस भी चल रहे हैं। और अंश आपने जो पॉडकास्ट वाला क्वेश्चन पूछा ना एंकर पॉडकास्ट करके एक सर्विस है एंकर पॉडकास्ट डाल देना आप मैं आपको URL दे देता हूँ इसमें पॉडकास्ट यहाँ पे आप जो भी पॉडकास्ट अपलोड करेंगे ना तो इनके 10-15 मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे ये पॉडकास्ट अपडेट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे चेक कर लेना आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आप पॉडकास्ट बनाओ रिकॉर्ड करो और यहाँ पे अपडेट करो Spotify और एप्पल का भी इवन जो पॉडकास्ट है सब पे ये अपडेट कर देता है। सर तो मतलब इसी से मैं बनाऊंगा और इसी से अपडेट सारे प्लेटफॉर्म से हो जाएगा बनाओगे तो आप खुद रिकॉर्ड करोगे ना पॉडकास्ट तो आप खुद रिकॉर्ड करो और उसको इसमें पोस्ट कर दो और इसमें अपना प्रोफाइल बना लेना एंकर वाले FM में पॉडकास्ट में प्रोफाइल बना देना और इजीली बना तो डिस्ट्रीब्यूट एंड मोनेटाइज योर पॉडकास्ट फॉर मेनी डिवाइस फॉर फ्री। और एक एंकर में जैसे आपने पोस्ट किया तो ये आधे दूसरे जितने भी पॉडकास्ट है जैसे गूगल पॉडकास्ट है एप्पल का पॉडकास्ट है सब में ये आपका बना लेगा और सब में एक बार बना लेगा प्रोफाइल और वहां पे पोस्ट भी आप जैसे इसमें करोगे तो इससे सब पे पोस्ट होता जाएगा।
आपको अलग अलग पॉडकास्ट में प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉडकास्ट से आप कर सकते हो। ये भी मैंने यूज कर रखा है, काफी अच्छा टूल है। ठीक है, तो ओवरऑल किसी को कोई डाउट है, सचिन जी, मोहित, हेमा जी, किसी को भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि हाँ सचिन जी, सर ये पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे सर, ये मतलब मुझे आइडिया नहीं सर एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं जी। बेसिकली जैसे आप देखेंगे यूट्यूब पे वीडियोस का ट्रेंड है, लोग वीडियोस देखते हैं। वैसे के वैसे अभी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं आप उनमें देखेंगे लोगों के पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, लेकिन लोग ऑडियो सुन सकते हैं। तो पॉडकास्ट एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी ऑडियो में कुछ भी कंटेंट है क्रिएट करके डाल सकते हैं और लोग उस ऑडियो को सुनते हैं। फिर ऐसे टाइम में जब आपके पास ऑडियंस अच्छी होती है तो आप उसी को मोनेटाइज भी करते हैं, तो लोग उसको भी जैसे सुनते हैं तो उससे आपके पास एक इनकम होती है। तो अब वीडियोस के बाद जो नेक्स्ट आने वाली चीज है जो इंडिया में भी काफी चल रही है वो है पॉडकास्ट। अब आप पॉडकास्ट आप किसी भी सब्जेक्ट पे बना सकते हैं, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग पे बना रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी पे बना रहे हैं या कोई और कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं। तो इसी के लिए पॉडकास्ट सर, इससे अर्निंग होती है या मतलब इस वेबसाइट पे जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं या इस वेबसाइट पे जाके आप इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, इस सर्विस की ट्रेनिंग ले सकते हैं, इस तरह से आप एड्स बोलते हैं, फिर उसके बेसिस पे आपकी अर्निंग होती है। इसके लिए आपकी वेबसाइट मतलब एंकर एफएम देख लेना, और इसके पॉडकास्ट के डिफरेंट डिफरेंट एप्स भी होते हैं, पर एंकर एफएम एक ऐसा ऐप है मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने एक में पोस्ट किया आपके सारे प्लेटफॉर्म्स में पोस्ट हो जाएगा। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है कि मैं स्पॉटिफाई पे जा रहा हूँ फिर मैं गूगल पॉडकास्ट पे भी जा रहा हूँ, सब पे अपने पोस्ट हो जाएगा। तो इससे आपका मतलब एक एसईओ भी स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने तो इसको जो यूज किया था एसईओ के लिए यूज किया था कि भाई इसमें जो मैं वीडियोज पोस्ट करवाते हैं तो इन्हीं वीडियोस का हमने MP3 में कन्वर्ट करके एंकर में पोस्ट कर दिया। एंकर में पोस्ट कर दिया तो बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में पोस्ट हो गया, तो मैंने उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया था। तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो गूगल एड स्टार्ट कर लेंगे, सेम 9 बजे। अब हो सकता है कि मैं थोड़े दिन 10-15 मिनट्स क्लास एक्स्ट्रा भी लूं ताकि क्या हम जैसे एक टॉपिक पकड़े तो उस टॉपिक को पूरा अच्छे से डिस्कस करें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर आपको भी कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स भी अब हम एंड के 10 मिनट 5 तो मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। ठीक आ रहा है तो सर हम उसको कैसे एनालाइज करें, मतलब वो गूगल एनालिटिक्स से? ऑब्वियसली गूगल एनालिटिक्स से ही एनालाइज करेंगे। गूगल एनालिटिक्स से देखेंगे उनका बाउंस रेट क्या है, यूजर्स एक्चुअल में हमारे कौन कौन से कॉन्टेंट पे सबसे ज्यादा एंगेज कर रहे हैं। जैसे सबसे लास्ट में गूगल एनालिटिक्स में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में वो बताता है कौन कौन से पेजेस पे सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो वो चीज आप स्टडी कीजिए। और उसके साथ आप ये देखिए कि यूजर सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं, ऐप्स और क्या बोलते हैं डेस्कटॉप से आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मोबाइल पे अपने कंटेंट को ओपन करके देखिए किस तरह से दिख रहा है, सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। वो जैसे आप गूगल एनालिटिक्स यूज करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, good night everyone, bye bye, good night, good night, good night.